हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदेद है लेक्सेशन आईटी में। आज हम लैब करेंगे वीडोम पे, लेकिन आज मैं आपको इसकी लैब नहीं करवा पाऊँगा क्योंकि मेरे पास वीएम है गाइस। ओके, तो मैं इसकी लैब नहीं कर पाऊँगा, तो इसकी मैं आपको पूरी कमांड दिखाऊँगा और इसके बारे में मैं आपको समझाऊँगा वीडोम के बारे में कि हम वीडोम क्यों अपने फोर्टिगेट पे इसको अनेबल करवाते हैं। और ये बात याद रखिएगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होता है, इसको हमें अनेबल करना होता है। ओके ओके, तो इसको डिसेबल होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ये डिसेबल होता है, इसको हमें अनेबल करना होता है सीएलआई के थ्रू। ओके गाइस, तो वीडोम हमें न्यू करना पड़ता है एक तरीके से। मैं आपको बताऊँ, ये समझ लें कि हमारा ये पूरा का पूरा फायरवॉल का डिब्बा है। ओके ओके, पूरा का पूरा एक बॉक्स है। अब इसमें आपके समझ लें ये अलग डिपार्ट है। ओके, एक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ये अलग अलग कोई सेल्स का डिपार्ट है। ओके, ये सेल्स का डिपार्ट है। ओके, इसका अलग और ये आईटी का डिपार्ट है। ओके ओके, ये आईटी का डिपार्ट है और हमारी फायरवॉल लगी हुई ये वाली। ओके, ये फायरवॉल है। लेकिन जब हम रूल्स बनाते हैं ट्रैफिक के, तो जब हम रूल्स बनाते हैं ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, तो हम एक ही रूल बनाते हैं जिसमें से दोनों बाईपास होते हैं। ओके, हमारा आईटी भी इधर से जा रहा होगा, सेल्स भी इधर से जा रहा होगा। लेकिन इसमें एक ऑप्शन होता है हमारी फोर्टिगेट में वीडोम का। वीडोम कहते हैं बेसिकली वर्चुअल डोमेन को। आपको समझ में आ गया, वर्चुअल डोमेन से मुराद ये कि हमारा एक हार्डवेयर है, ये फायरवॉल है, ये फायरवॉल है और इसके अंदर मल्टीपल समझ लें एक तरीके से सॉफ्टवेयर्स चल रहे हैं। सॉफ्टवेयर के हिसाब से बिल्कुल सुना, जैसे हमारा डॉकर होता है, डॉकर में आपको पता है हार्डवेयर भी एक होता है, सॉफ्टवेयर भी एक ही होता है, लेकिन उसके अंदर एप्लीकेशन मल्टीपल चल रही होती है। ओके, तो उसके लिए हमें हमारे फायरवॉल में एक ऑप्शन आता है वीडोम। वीडोम हम अनेबल करते हैं तो एक अलग अलग एक तरीके से समझ लें आप डिपार्ट बना सकते हैं इसके अंदर। अलग अलग डिपार्ट मतलब हमने सेल्स का एक डिपार्ट बना लिया। ओके, सेल्स का एक डिपार्ट बना दिया, आईटी का एक डिपार्ट बना दिया, अकाउंट का एक डिपार्ट बना लिया। ओके, अकाउंट का एक डिपार्ट बना लिया। तो इस तरीके से होता है कि आप इनकी अलग अलग ट्रैफिक को मैनेज कर सकते हैं, अलग अलग रूल्स बना सकते हैं इन पे, अलग अलग मतलब इनकी अलग अलग ट्रैफिक बनेगी, इन और आउटबाउंड अलग अलग बनेंगे। ओके, इसका इनबाउंड अलग बनेगा, इसका इनबाउंड अलग बनेगा। अच्छा, आप चाहते हैं ये इससे बात ना करें, ये इससे बात करें, ये भी आप करवा सकते हैं इसमें, सब इसमें रूल्स बना सकते हैं इसमें गाइस। ओके गाइस, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका इसका तरीका हम कैसे बना सकते हैं इसमें। ओके, तो इसके लिए हमारे पास फोर्टिगेट तो मैंने ऑन कर रखा है। अब मैं इसमें ज़रा एक क्रोम ओपन कर लूँ अपना। ओके, और इधर मैं लिखता हूँ 192.168.2.1, इसमें एडमिन, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो ये हमारी लॉगिन हो गई। तो इसमें ये देखें, ये बाय डिफ़ॉल्ट अभी हमारे पास कोई भी नहीं आ रहा, वीडोम का कुछ भी नहीं आ रहा। तो वीडोम के लिए हमें गाइस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड में, आप देख सकते हैं अभी मेरे पास कोई वीडोम का नहीं आ रहा, मतलब एक ही डैशबोर्ड आ रहा है सिंपल सा, जो हम एक ही इस पर सारी पॉलिसीज मतलब नेटवर्क इंटरफेस सारी चीज़ें बना सकते हैं, सिस्टम पॉलिसीज। लेकिन अब मैं एक सीएलआई मोड पे जाके, ये सीएलआई होता है इसका कौनसल, तो इस पर जाके मैं एक कमांड टाइप करूँगा जो अनेबल करता है वर्चुअल डोमेन को, वीडोम को। तो उसके लिए मुझे एक कमांड टाइप करनी होगी, वो कमांड मैं आपके सामने टाइप करता हूँ। इसमें लिखना पड़ेगा मैं कॉन्फ़िग स्पेस सिस्टम स्पेस सीएलओवी ग्लोबल। ओके, इंटर करेंगे तो ये मेरे को ग्लोबल में ले गया। फिर हम लिखेंगे सेट स्पेस वी डॉम माइनस admin enable। ओके, एंटर, तो ये enable हो गया। इसको एंड करेंगे तो बोल रहा है कि आई विल बी लॉग आउट, कह रहे लॉग आउट होगी फिर आप कंटिन्यू करिएगा। ओके, तो मैं येस करूँगा। ओके, तो अब मैं इसको लॉगिन करूँगा
अपने पासवर्ड क्रेडेंशियल से। तो गाइस ये हमारी लॉगिन हो गई। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अब एक देख सकते हैं इसमें वर्चुअल डोमेन अनेबल आ गया, इस पर राइट चेक भी लग गया, और ये देख सकते हैं इसमें ग्लोबल पे देख सकते हैं आप दो तरह की चीज ऑप्शंस आ गए, रूट आ गया। रूट इसमें बाय डिफॉल्ट होता है, रूट से ही हम सारे इसके वीडोम्स क्रिएट करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें वीडोम्स रूट्स में जाके, तो ये आप देख सकते हैं इसमें पूरी पूरी पॉलिसीज आ रही हैं, नेटवर्क नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं सब। ये रूट का एक अलग आ गया, पूरा अलग सेटअप आ गया एक तरीके से, आप देख सकते हैं जिसमें सिस्टम पॉलिसीज पॉलिसीज रूट वूट सब अलग आ गए। तो मैं आपको ग्लोबल पे जाके बता सकता हूँ। तो इसके लिए हमें नेटवर्क इंटरफेस सिस्टम्स में आके वीडोम, ये वीडोम देख रहे हैं आप, तो वीडोम में आप देख सकते हैं अभी मेरे पास रूट ही का आ रहा है, सिर्फ रूट का आ रहा है, और ये आप देख सकते हैं इसमें सारे इंटरफेस आ रहे हैं, पोर्ट 1 पोर्ट 2 पोर्ट 3 जो मैंने कन्फिगर करे हैं ऑलरेडी, लेकिन मैं इसमें कन्फिगर नहीं कर सकता। अगर मैं इसमें एक बनाऊँ आईटी के नाम से बनाऊँ एक आईटी और इसको ओके करूँ, तो ये मेरे को फेल करेगा, कहेगा वर्चुअल डोमेन इज सेटिंग, मतलब कि मेरे पास जो है इसका लाइसेंस नहीं है। तो ये मैं आपको दिखा सकता हूँ मेन डैशबोर्ड पे जाके इसके ग्लोबल पे, तो ये देख सकते हैं वीडोम 1 है। अगर आपके पास वाकई अगर आपके पास एक बॉक्स है इसका हार्डवेयर लेवल पे जैसे हमारे कंपनी में लगा हुआ है, तो उस पर आप देखेंगे उसमें 10 की लिमिट होती है। अगर 10 के पास आपको अपग्रेड जाना है तो फिर उसके लिए आपको लाइसेंस अपग्रेड करना पड़ेगा। ओके, तो ये इसका होता है सेटिंग के लिए। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि एक जैसे आप नेटवर्क पे जाएंगे वीडोम सिस्टम्स में जाएंगे और सिस्टम में वीडोम में जाएंगे, तो ये देखिए अनेबल हो चुका है, मेरा ये ऑप्शन आ चुका है। तो इसके लिए हमें क्रिएट करके आप जितने भी अलग अलग पार्टीशन बनाते रहेंगे वो सब बना देंगे आप यहाँ पे, सही जैसे रूट का बना हुआ वैसे आप यहाँ पे एक आईटी का बना दें, सेल्स का बना दें। तो उसमें बनाने के बाद फिर आपको इंटरफेसिस में आना होगा, इंटरफेसिस में जैसे आप यहाँ पे इंटरफेसिस काफ़ी ज़्यादा शोर होंगे। अभी मेरे पास पोर्ट 3 पर अगर मैं आऊँ आपको लेके इसको डबल क्लिक करूँ, तो इसको देखें वर्चुअल डोमेन में मेरा खाली रूट आ रहा है, ये भी मेरे पास यहाँ पे इसको हाईलाइट नहीं है। तो यहाँ पे अब मेरे सामने इसकी तरह ही रोल्स में ड्रैग डाउन होगा, तो यहाँ पे मुझसे पूछेगा कि आपको रूट में डालना है सेल्स में डालना है, तो आप सेल्स में डाल देते हैं, आईटी को बनाए तो आप आईटी में डाल दें, आईटी के इंटरफेस में ऐड हो जाएगा। ओके ओके, तो ये इंटरफेस बन जाएगा। और इसी तरीके से रूट में जैसे मैं हूँ रूट के डोमेन पर हूँ और मैं इसको आपको दिखाऊँ, तो ये रूट के डोमेन पे है अभी। ओके, तो जैसे ही मैं इसको जैसे रूट के इंटरफेस में आप देख सकते हैं रूट में, और अगर मैं इसको क्या मैं आपको तरीके से बताऊं कि इसको हमने रूट पे जैसे हमने आईटी में कर दिया, इसको आईटी में कर दिया, तो यहाँ पे ये आया है, यहाँ पे इसके इंटरफेस ऐड हो जाएगा। यहाँ पे इंटरफेस इंटरफेस ग्लोबल में आप जाएंगे और सिस्टम्स वही वीडोम में आएंगे, वीडोम में जैसे आईटी का बना हुआ है, तो जैसे यहाँ पे इंटरफेस ये शो हो रहे हैं वहाँ पे वही नेट 3 का जो पोर्ट है मैं वहाँ पे शो हो रहा होगा। ओके ओके, अगर मैं आपको एक तरीका बताऊँ इसमें से पोर्ट 3 को मैं डिलीट करूँ इधर से, करने नहीं देगा क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं है। ओके, तो इस तरीके से आप करेंगे। और अगर आपको इन दोनों जैसे हमने रूट का रूट बनाया और आईटी बनाया है, इन दोनों का आपस में आपको जैसे अलग अलग बना दिए और इनकी अलग अलग पॉलिसियाँ आप अलग अलग ट्रैवल करा सकते हैं। जैसे मैं रूट पे आऊँगा तो रूट पे मैं इसको पूरा एक अलग रूट के अगर यूज़र्स हैं इनकी पॉलिसी हैं इस पॉलिसी सब मैं अलग बना सकता हूँ, यहाँ से मैं इनकी आईपी वर्जन 4 की पॉलिसीज़ बना सकता हूँ। इनका पूरा का पूरा एक अलग सेपरेट नेटवर्क चलेगा, जैसे आईटी का है समझ लें रूट को हटाते हैं, समझें आईटी है, आईटी के पूरे एक अलग मैं अलग पॉलिसीज़ बना सकता हूँ कि अलग ट्रैफिक को मैनेज कर सकता हूँ कि आईटी वाले ये यूज़ करें, तो आप ये सब कुछ करवा सकते हैं। और आप चाहते हैं कि जैसे समझ लें जैसे ये आईटी है और मैं चाहता हूँ कि इसको आईटी को रूट के साथ बात करवाना चाहता हूँ कि इन दो डिपार्ट की आपस में कॉन्टेक्ट हो, ओके, तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें
ग्लोबल पे जाना होगा, और ग्लोबल में जाने के लिए आपके पास नेटवर्क इंटरफेस, और नेटवर्क इंटरफेस में इसमें एक चीज़ होती है वीडोम लिंक्ड लिंक्ड ओके। तो ये देखें वीडोम लिंक्ड होता है, ये देखें वीडोम एक ऑप्शन आया है वीडोम लिंक, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। तो इस पर मैं नाम दूंगा कोई भी, और उस वर्चुअल डोमेन जैसे रूट है यहाँ पे मैंने रूट ऐड करवा दिया, और यहाँ पे भी जैसे अगर आईटी है तो आईटी ऐड करवा देंगे। यहाँ पे हम इन दोनों की आईपी देंगे, जो आप आईपी सेट करवाना चाहें अपने एनवायरनमेंट में से, इन दोनों की बातचीत के लिए आप सेट करवा सकते हैं, जैसे 10 का पूल करवा दें, कुछ भी करवा दें। तो इनकी आप दो जैसे मैं रूट यहाँ पर करवाया तो मेरे पर रूट ही है, अगर आईटी होता तो मैं यहाँ पर आईटी करवाता। ओके ओके, तो इन दोनों की आप इन दोनों को आप आपस में कनेक्टिविटी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ आई टी डैश रूट ओके, तो रूट एक तरीके से आईटी और कॉन्टेक्ट रूट ए रूट है, और मैं यहाँ पे इसको आईपी दे दूँगा 192.168.3.100/255.255.255.0। अच्छा ये पोर्ट 2 पे यूज़ हो रहा है सबनेट, अगर मैं इधर कर दूँगा 5 तो ये देखें 5 पे हो गया ओके। तो ये ऐसी अब मैं यहाँ पे जैसे समझ ले रूट है, और इसको एक तरीके से आप समझ ले आईटी है, इसको मैंने करवाया 192.168.6.100/25.25.0। ओके तो ये हमारा हो गया, मैं इसमें पिंक अलाउ करवा दूँ और इसका भी पिंक अलाउ करवाऊँ, और इसको मैं ओके कर दूँ, तो अब इन दोनों में एक तरीके से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी गाइस। ओके गाइस, तो इन दोनों में आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, फिर आप इनको चेक कर सकते हैं। ओके गाइस, तो वीडोम एक ये होता है कि आप एक अलग अलग पूरे का पूरा ट्रैफिक मैनेज कर सकते हैं, एक अलग अलग पूरे डिपार्टमेंट का ट्रैफिक वर्चुअल वीडोम के थ्रू आप पूरा का पूरा एक पूरा नेटवर्क मैनेज कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये मेरा सिर्फ आपको मैं इसमें बताई इसको मैं गाइड ही कर सकता था, क्योंकि मेरे पास इतने इसमें लाइसेंस नहीं है, इसके लिए लाइसेंस मेरे को लेना पड़ता, तो इसके लिए मुझे वीडोम के लिए लाइसेंस परचेज करना पड़ता, क्योंकि मेरे पास इसमें सिर्फ खाली वन का ही ऑप्शन है। ओके गाइस, तो ये इसको अपग्रेड करने के लिए हाउ टू अपग्रेड इंटर योर लाइसेंस की, अब मैं लाइसेंस की डालूंगा तो यहाँ पे कह रहा है लाइसेंस की डालो, फिर आपको कुछ दिनों के लिए मिलेगा। ओके ओके गाइस, तो इसके लिए माजत कि मैं आपको इसकी मैं लैप नहीं कर पा दिखाया पाया, तो खाली मैं इसके बारे में समझा पाया, तो आप ये खुद से लैप ट्राई करके देखें। अगर आप लोगों के पास पूरे का पूरा हार्डवेयर है, बॉक्स है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है वीडोम। अक्सर कंपनियाँ, हम खुद एक जिस कंपनी में मैं हूँ उस कंपनी में इसी तरीके से हम लोग पूरे के पूरे ट्रैफिक को एकदम सिक्योर हो जाता है, ये एक अलग अलग पूरे ट्रैफिक को आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। ओके गाइस, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और हमारे पेज को भी सब्सक्राइब करें। ओके, खुदा हाफिज़।